ग्राम प्रधान ने महिला की भूमि पर मूर्ति स्थापित कर गांव का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। महिला प्रधानमंत्री आवास बनवा रही थी। सूचना के बाद मौके पर एसडीएम पुलिस फोर्स लेकर पहुंचे और काम बंद करवा दिया गया। आपको बता दें कि पूरी घटना क्रम बांदा जनपद के बबेरू कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आलमपुर की है, जहां एक बेबा महिला अपना सरकारी आवास बनवा रही थी। उसकी दौरान ग्राम प्रधान के द्वारा बेबा महिला की भूमि की जमीन को शमशान घाट व ग्राम सभा की जमीन बताकर रात्रि में कुछ लोग मकान के सामने चबूतरा बनाकर हनुमान जी की प्रतिमा रख के गांव का माहौल बिगाड़ने का काम किया और बेबा महिला की शिकायत पर कोतवाली पुलिस प्रशासनिक अधिकारी पहुंचकर ग्राम प्रधान सहित तीन लोगों को हिरासत में लेकर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। मामला बबेरू कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत आलमपुर गाँव का है, जहाँ की रहने वाली बेबा महिला आविया खातून पत्नी स्वर्गीय याकूब खान ने संपूर्ण समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि मैं अपनी जमीन पर राजस्व विभाग की पैमाइश के पश्चात अपना प्रधानमंत्री आवास बनवा रही थी। अभी गांव के प्रधान मोबिन खान इसके सहयोगी लगातार मकान बनाने में बाधा उत्पन्न कर रहे थे और बीती शुक्रवार की रात ग्राम प्रधान सहित सात लोग एक राय होकर मेरे निर्माणाधीन मकान के ठीक सामने धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने और मुस्लिम समुदाय के बीच सांप्रदायिक दंगा कराने के उद्देश्य से आवास के बिल्डिंग मटेरियल से एक चबूतरा बनाकर कुछ लोग हनुमान जी की प्रतिमा रख दिया। जब मैंने इसका विरोध किया तो गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। इनके द्वारा बताए गए घटित कार्य से पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल है। वहीं शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस की सुनवाई कर रही बबेरू उप जिला अधिकारी वंदिता श्रीवास्तव ने पुलिस बल के साथ आलमपुर गाँव पहुँच कर मौके पर पुनः पैमाइश कराई, जिसमें गाँव में तनाव को देखते हुए अतराज सीओ एवं बबेरू सर्किल के सभी थाना प्रभारी राजस्व निरीक्षक तहसीलदार विपिन कुमार कानून को सहित ग्रामीणों के बीच ग्राम प्रधान द्वारा कूट रचित तरीके से जो माहौल उत्पन्न किया गया था, विवादित स्थल को तत्काल मौके पर पैमाइश कराई गई, जिसमें महिला रबिया खातून की जमीन बताकर आवास के निर्माण कार्य हेतु निर्देश दे दिए गए हैं। कोतवाली प्रभारी नागेंद्र कुमार नागर ने बताया हनुमान जी की प्रतिमा को लाकर कोतवाली परिसर पर स्थित मंदिर में रखवा दिया गया और कोतवाली प्रभारी ने रबिया खातून की तहरीर पर ग्राम प्रधान मुबीन खान याकूब खान वसीम खान को गिरफ्तार कर लिया तथा इसके विरुद्ध संबंधित धाराओं में मामला पंजीकृत कर जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। वहीं शेष चार अभियुक्तों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, बबेरू में मुस्लिम समुदाय द्वारा एक हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करने के संबंध में ग्राम प्रधान समेत कई लोगों को मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या सर? ग्राम आलमपुर थाना बबेरू अंतर्गत दिनांक 18/9/2021 को दो पक्ष दोनों मुस्लिम संप्रदाय के थे, एक विवादित जमीन को लेकर के उनमें आपस में विवाद था, वहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति रखी गई थी और सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया था। इस बात को लेकर पुलिस ने तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए सम्मानपूर्वक हनुमान जी की मूर्ति को हटा दिया और जो भी शरारती तत्व उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके उसमें गिरफ्तारी भी की गई है। कितने लोगों पर गंभीर धाराओं मुकदमा दर्ज हुआ, कितने लोग गिरफ्तार? सात लोगों के विरुद्ध दर्ज है, अब तक तीन लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। किन किन धाराओं मुकदमा दर्ज है? गंभीर धाराओं में है अभियोग। क्या नाम है आप? मनफूल गौतम। मनफूल गौतम जी, कहाँ के रहने वाले? आलमपुर। क्या मामला हुआ ये मंदिर वाला? मामला ये था कि वो एक जमीन है उनकी मौजूसी है, उस पर वो एक महिला अपना मकान बना रही थी, आवास आया था प्रधानमंत्री आवास, उसमें वो बना रही थी। कुछ अराजक तो उस पर ऑब्जेक्शन लिए, लेफ्ट सर्वे किया, कानून का सर्वे किया, सर्वे में बताया गया कि वो जमीन उन्हीं की है। इसके बावजूद भी जो वर्तमान प्रधान है वो कुछ लोगों को लेकर उलझाता रहा और जब कल कोतवाल साहब बुलाए और ये कहा कि देखिए फैसला हो चुका है अदालत का, अब इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए, वो मकान को बनाने तो कोई विवाद ना हो, दोनों पक्षों को कह दिया इंस्पेक्टर साहब ने। इसके बाद रात में अराजक तत्वों ने एक हनुमान जी की मूर्ति वहाँ रख दी है उनके दरवाजे पे। ठीक है, उसकी खबर सुबह दी गई यहाँ थाना में एसडीएम साहब को, जब दी गई यहाँ से छोड़ गया पाँच छः थानों का छोड़ गया। हम बजोरी में थे, हमको इंस्पेक्टर साहब बुलवाए और बोले कि पंडित जी ये मूर्ति को आप उठा के हमारी गाड़ी में रखवा दीजिए। तो मैं एक दवरसा का राजू पंडित था, राजू उस राजेंद्र रात राजी, हम दोनों लोगों ने मूर्ति को उठा के उनके गाड़ी में रख दिया। ठीक है, और वहाँ से हमें बोले कि चलो वहाँ मंदिर में रखवा दिया, तो हम आके थाने में रखवा दिया, चले आए। अच्छा, थाने में रखी है मूर्ति? जी, थाने में, मंदिर में रखवा दिया। अच्छा, मंदिर में रखी जी। अब उसमें जो वर्तमान प्रधान है उसमें पूरी भूमिका उसी की है, ये हिंदू मुस्लिम करवाना चाहता था,
और शासन जानता है, शासन ने बताया गया, शासन ने कहा होते थी, उन्होंने कहा इसको उठा के बंद कर दीजिए, मुकदमा लगा दीजिए। हमारे सामने इतनी बात है। क्या नाम है आपका? मनफूल गौतम। कौन से गांव के हैं? निवासी ग्राम आलमपुर। R9 भारत के लिए रूपा की रिपोर्ट, बांदा से। महमूद खान पुत्र स्वर्गीय अली अहमद निवासी जमुआ थाना तिंदवारी अपनी बेटी को संबानो उम्र 22 वर्ष को लाठी डंडे से पीटकर घायल कर दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को बबेरू CHC में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घटना सिमोनी चौकी अंतर्गत कलका मंदिर गडरा नदी के पास की है। कल दिनांक 19/9/2021 को शाम 6:30 बजे लड़की घायल अवस्था में मिली। ग्राम चौकीदार द्वारा उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई है। जांच में उसके पिता द्वारा प्रथम दृष्टया हत्या करना पाया गया है, उसको हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। R9 भारत के लिए रूपा की रिपोर्ट, बांदा से। बांदा, 3 दिन पहले गुमशुदा युवक की खेत में डेथ बॉडी मिलने से क्षेत्र में फैली है सनसनी। परिजनों ने हत्या का लगाया है आरोप। आक्रोशित परिजनों ने अतरा नरेनी मुख्य मार्ग पर लगाया है जाम। मौके पर पहुंचे परगना मजिस्ट्रेट नरेनी, पुलिस क्षेत्राधिकारी नरेनी एवं कालिंजर गिरम्बा अंतरा नरेनी कोतवाली प्रभारी परगना मजिस्ट्रेट नरेनी एवं पुलिस क्षेत्राधिकारियों ने आक्रोशित ग्रामीणों व परिजनों को समझा बुझा कर जाम खुलवाया। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच कर शव के फॉरेंसिक जांच करते हुए सैंपल लिए हैं। घटना 3 दिन पहले की बताई जा रही है, जिसमें शील बंधु सिंह उर्फ हनुमान उर्फ बड़ा भैया पुत्र समरजीत सिंह उर्फ लगभग 28 से 30 वर्ष घर से पशुओं के लिए चारा काटने सुबह 9 बजे निकला था, किंतु समय से घर वापस न आने पर काफी खोजबीन के बाद जानकारी न मिलने पर स्थानीय कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी परिजनों द्वारा, और आज खेत में उसकी मृत शरीर मिला। परिवार में राम मच गया है। मृतक के 2 बच्ची हैं, बड़ी बच्ची की उम्र 5 वर्ष बताई जा रही है। मृतक 3 भाई हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों सहित ग्रामीणों की मांग है हत्यारे को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिंटू सिंह भदौरिया है, ग्राम भुसासी पोस्ट बदौसा जिला बांदा से हूँ मैं। ये मेरे मामा का लड़का है। क्या नाम है इनका? इसका नाम शील भद्र उर्फ बड़ा भैया, जो कि 18 तारीख को 9:10 में खेत पहुँचा। इसके बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट रात में एप्लीकेशन दिया गया 9:30 बजे, उसमें कोई कार्रवाई नहीं। किस थाने में दिया था आपने? नरेनी कोतवाली। इसके बाद जब हम लोग 19 तारीख को पहुंच रहे हैं, कोतवाल साहब तिवारी जी हैं कोई, उनसे डायरेक्ट बात होती है। उसके बाद हमारी FIR की गई 1:30 बजे के आसपास। उसके बाद हमारी FIR की कापी दी गई और पुलिस तहकीकात में जब हम कोतवाली में बैठे थे, इसके पहले पुलिस आई कोतवाली में बैठे बैठे। शाम के लिए हमें कहा गया कि पूरी फोर्स आएगी, रात में गाँव का वो होगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति ना आया। और 20 तारीख को 9:30 बजे सुबह जिस खेत से गुम हुआ उसी खेत के पास लाश कहाँ पे मिली है? ये लाश जिस खेत में चारा काटने गया था, किस जगह पे है? ये खेत गांव से निकलने के बाद, और ये मेन हाईवे कौन सा है? पिपराहरी गांव है। और ये मेन हाईवे जो आपका नरेनी अतरा संपर्क मार्ग है, इसके और गाँव के दोनों के मध्यस्थ बीचों बीच है। आप लोग जाम भी लगाए हुए थे? जी, जाम लगाया गया। कौन आया था मौके में जाम? जाम में SDM साहब आए थे, CO अतर आए थे, CO नरेनी आए थे। SDM अतर आए थे, नरेनी आए थे। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने आश्वासन दिया कि आप जाम खोलिए, आपके साथ पूर्णतः पूरी कार्रवाई की जाएगी, जो हकीकत है उसका बयान किया जाएगा। आपके इस बात को क्या शंका जाहिर करते हैं? क्या यह मर्डर है या फिर ये टोटली ये मानिए कि 18 तारीख को जब ये 9:10 में चाचा और भतीजे खेत गए, तो चाचा ने आवाज़ लगाई, इसके बाद ये मिले नहीं, आवाज़ घर से लड़कियां गईं, तो इसमें सेवर है कि ये मर्डर के रूप में ही। क्या आपको किसी के ऊपर शक है? वो तो अभी हम क्लियर नहीं कर सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद। आज दिनांक 20/9/2021 को रात 9:30 बजे थाना नरेनी पर सूचना मिली कि थाने नरेनी के अंतर्गत पिपरही गांव में एक खेत में एक शव पड़ा मिला हुआ है। मौके पर गांव वालों के साथ ही पुलिस भी पहुंची तो सबकी पहचान शीलभद्र सिंह समरजीत सिंह उम्र 30 वर्ष के रूप में हुई। इसके शीलभद्र के संबंध में कल दिनांक 19/9/2021 को शीलभद्र के चाचा अमरजीत सिंह द्वारा गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। मौके पर पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया, सभी एंगल से फोटोग्राफी की गई। घटनास्थल के मृतक की सभी एंगल से सभी आयाम में फोटोग्राफी की गई। सबका पंचायतनामा भरते हुए सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर मिलने पर FIR दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई। R9 भारत के लिए रूपा की रिपोर्ट, बांदा से।